हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग शेरलॉक एंड मूविंग टाइल्स नाम की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हैकर रैंक पे मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है। आइए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम इज सेइंग दैट शेरलॉक इज गिवन टू स्क्वायर टाइल्स इनिशियली, बोथ ऑफ हूज साइड्स हैव इक्वल लेंथ एल प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दो टाइल्स हैं जिनके जो साइड्स हैं वो एल हैं, स्क्वायर्स स्क्वायर टाइल्स हैं, और दोनों की जो साइड्स हैं वो एल हैं और एक्स वाई प्लेन में इसको रखा गया है। इनिशियली द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ईच स्क्वायर आर एट द ओरिजिन एंड देयर साइड्स आर पैरेलल टू द एक्सिस। तो ऐसा कहा गया है कि इनिशियली जो है दोनों जो टाइल्स हैं, अगर हम ऐसे मान लें कि हमारे पास एक एक्स वाई एक्सिस है, तो एक टाइल है ऐसे रखी हुई जिसका जो एक कॉर्नर है वो ओरिजिन पे है, और जो दूसरी टाइल है उसका भी जो एक कॉर्नर है वो ओरिजिन पे है। फिर कहा जा रहा है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो बोथ स्क्वायर्स स्टार्ट मूविंग अलोंग अलोंग द वाई इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होगी? ऐसी लाइन होगी, या हम इसको अगर माने तो ऐसी लाइन होगी। वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे ये मूव करना स्टार्ट करते हैं विद द वेलोसिटी एस वन एंड एस टू, एंड एस वन एस टू डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर ईच क्वेरी डिटरमाइन द टाइम एट विच द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द टाइल इज इक्वल टू द क्वेरी वैल्यू क्वेरीज आई। तो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी टाइम टी पे, ये जो गिवन एग्जांपल है उसके हिसाब से जो पहली वाली टाइल है, ये मान लेते हैं कि टाइल नंबर वन है और ये टाइल नंबर टू है। तो जो पहली टाइल है वो थोड़ी डिस्टेंस आगे मूव कर गई और जो दूसरी टाइल है वो भी थोड़े डिस्टेंस आगे मूव कर गई है। तो थोड़े टाइम बाद इनका एक ओवरलैपिंग एरिया होगा। ये ओवरलैपिंग एरिया ये वाला एरिया है जिसको उन्होंने क्यू आई से डिनोट किया है। तो जो एरिया ओवरलैपिंग है इसको मैं नोट कर लेता हूँ, दैट इज क्यू आई। और टाइम टी पे ये एक्शन हो रहा है, या ये जो एक्टिविटी है वो टाइम टी पे हो रही है। तो मुझे ये बताना है कि वो टाइम क्या है जिस पे ये एक्टिविटी हुई कि ओवरलैपिंग एरिया क्यू आई हो गया। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस मूव किए ये दोनों टाइल, और जो डिस्टेंस है वो हम लेफ्ट कॉर्नर वाले डिस्टेंस को पिक कर लेते हैं। तो जैसे जो पहली वाली टाइल है उसका जो लेफ्ट कॉर्नर है वो ये है, उसने इतनी डिस्टेंस मूव किया होगा इन टी टाइम। तो यू नो दैट कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू टी इंटू एस वन। सिमिलरली जो दूसरा वाला टाइल है वो कितने डिस्टेंस मूव करेगा, उसका कॉर्नर मूव करेगा डी टू इज इक्वल्स टू टी इंटू एस टू, क्योंकि सेम टाइम में हमें निकालना है तो हमने ये ले लिया। अब ये जो डिस्टेंस है जो हम निकाल रहे हैं, डी वन माइनस डी टू अगर आप निकालेंगे, या डी टू माइनस डी वन अगर आप निकालेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस मच। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ओवरलैपिंग डिस्टेंस। तो इसको करने के लिए हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं कि जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वो फर्स्ट टाइल के अपर वाले कॉर्नर का और जो सेकेंड टाइल है उसके लोअर वाले कॉर्नर का। फिर से मैं बताता हूँ कि जो फर्स्ट टाइल है उसमें दो कॉर्नर्स अगर हम मान लें, एक कॉर्नर ये है जो कि डी वन डिस्टेंस चला है, और एक कॉर्नर ये है जो कि डी वन और प्लस इसका जो डायगोनल होगा उतनी लेंथ ये चला है। ये जो टाइल है हमारी उसका डायगनल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इतनी डिस्टेंस हम मान सकते हैं ये चला, और ये जो डायगनल है उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल्स टू एल अंडर रूट टू। ये एल अंडर रूट टू क्यों होगा? क्योंकि अगर हमने एक स्क्वायर लिया है और एल साइड ये है, एल साइड ये है, तो इसकी जो डायगनल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है इसलिए एल अंडर रूट टू हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो डायगनल की लेंथ है मतलब सी जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं एस क्यू आर टी एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये एल अंडर रूट टू आ जाएगा। तो जो पहला वाला टाइल है उस वाले टाइल में इसकी जो डिस्टेंस है
जो अपर कॉर्नर है उसकी जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू बी वन प्लस एल अंडर रूट टू। और जो दूसरा वाला टाइल है उसके लोअर कॉर्नर की डिस्टेंस हम निकालें तो वो इतना ही होगा जो कि टी अंडर टी इंटू एस टू होगा। अब हम इस एरिया की बात करते हैं, इस एरिया को अगर हम अलग से निकाल लें, यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया ये एरिया, तो हमने हमें बताया गया कि ये जो एरिया है वो क्यू आई है। तो क्यू आई एरिया बाहर लिख देता हूँ मैं इसके, क्यू आई एरिया का मतलब क्या है कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है या जो ये जो डिस्टेंस है वो इसके डायगनल के इक्वल होगा। तो एरिया अगर क्यू आई है तो इसके जो साइड्स हो जाएंगे वो अंडर रूट क्यू आई हो जाएंगे, और इसका जो डायगनल की लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू इंटू क्यू आई। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि अगर अंडर रूट क्यू आई इसके साइड हैं तो हम डायगनल कैसे फाइंड करेंगे। क्यू आई प्लस क्यू आई, जब आप अंडर रूट क्यू आई का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आई हो जाएगा और अंडर रूट ही हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू क्यू आई। तो ये जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है दोनों के कॉर्नर्स में वो अंडर रूट टू क्यू आई है। और अगर हम एक छोटा सा फार्मूला लिखें कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है मतलब डी वन माइनस डी टू दिस इज इक्वल्स टू टी इंटू एस वन, टी इंटू एस वन प्लस टी इंटू एस टू और प्लस एल अंडर रूट टू। तो टी इंटू एस वन प्लस एल अंडर रूट टू, ये हमने डिस्टेंस निकाला, ये हमने यहाँ लिख दिया, और टी इंटू एस टू दूसरा वाला हो गया, ये माइनस में होगा आई एम सॉरी। तो इसमें से अगर हम टी कॉमन ले लें सो एस वन माइनस एस टू हो गया, और एल अंडर रूट टू को हम दूसरे साइड में भेज देते हैं, सो डी वन माइनस डी टू और प्लस एल अंडर रूट टू इज इक्वल टू दिस मच। इसका मतलब है कि टाइम विल बी इक्वल्स टू डी वन माइनस डी टू प्लस एल अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई एस वन माइनस एस टू। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो एस वन और एस टू है उसमें एस वन बड़ा हो या एस टू बड़ा हो, या एस टू बड़ा हो और एस वन बड़ा हो, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देते हैं जिससे कि हमें ये सही वैल्यू मिले। सिमिलर काम हम कर सकते हैं डी वन और डी टू के साथ, हो सकता है कि डी वन बड़ा हो सकता है डी टू बड़ा हो, तो यहाँ पे भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लगा सकते हैं। तो हमने एक फार्मूला निकाल लिया कि इस टाइम पे टी इज इक्वल टू डी वन माइनस डी टू प्लस एल अंडर रूट टू डिवाइड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस वन माइनस एस टू। इस टाइम पे जो एरिया होगा, जो ओवरलैपिंग एरिया होगा वो क्यू आई होगा। तो आइए इसको हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक सजेशन मेरा है कि जब आप इनके गिवन फंक्शन में जब आप लिखेंगे तो वो सारे टेस्ट केसेस को पास नहीं करेगा, तो आप अपने से ही यहाँ पे लॉजिक लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज इनपुट कराई हैं, तीन वैल्यू इनपुट कराई हैं, एल एस वन एंड एस टू। एल का मतलब है लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड एस वन मीन्स कि कितना स्पीड है पहले का, पहले टाइल का, और कितनी स्पीड है दूसरी टाइल का। एंड क्यू इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज, कितनी क्वेरीज मुझे इनपुट करानी है। तो हर क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग मुझे टाइम रिटर्न करना है। यहाँ पे देखिए कि इसके जो इनपुट का फंक्शन है उसमें भी यही गिवन है, ये 10 1 2, इसका मतलब है कि 10 इज द साइड लेंथ, 1 इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट टाइल, 2 इज द स्पीड ऑफ द सेकेंड टाइल। यहाँ पे दो क्वेरीज पूछी गई हैं, पहली क्वेरी ये कह रही है कि 50 एरिया होना चाहिए जो ओवरलैपिंग है, और दूसरी क्वेरी करेगी 100 एरिया होना चाहिए ओवरलैपिंग का। तो जो पहले का आंसर है वो 4.1421 है और दूसरे का आंसर 0.000 है। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये सिस्टम है और इसमें मैंने ये कहा है कि इसका साइड लेंथ 10 है और इसका भी साइड लेंथ है, पहला पहला वाला भी यहाँ पे है और दूसरा वाला भी यहाँ पे है, तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, ओरिजिन, और हमें जो आंसर देना है वो इसी के हिसाब से देना है कि
जो ओवरलैपिंग एरिया है वो कितना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया तो दोनों का पूरा पूरा एरिया एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा होगा। तो अगर पूरा पूरा एरिया ओवरलैप कर रहा होगा तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 × 10, इसका मतलब कि 100। तो अगर क्वेरी में मुझसे 100 पूछा गया है कि 100 एरिया ओवरलैप कर रहा है तो दैट इज पॉसिबल ओनली एट द 0 टाइम। इसके बाद तो वो मूव करने लगेंगे, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। या फिर ये तभी पॉसिबल होगा जबकि दोनों सेम सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो हमने जो वैल्यूज इनपुट करा ली है वो एल है। एल का मतलब है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गिवन टाइल, एंड देन उसके बाद S1 और S2 आर द स्पीड, क्यू इज द नंबर ऑफ द क्वेरीज। जितने भी हमारे पास क्वेरीज हैं उन सभी क्वेरीज के लिए हमने इनपुट पहले करा लिया क्वेरी, और उसके हिसाब से हमने सबसे पहले स्पीड का डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ S1 और S2 इज द स्पीड। फिर हमने डिस्टेंस फाइंड किया, मतलब कि D1 - D2 को फाइंड किया। सो दैट इज इक्वल टू L√2 - SQRT ऑफ 2 × QI। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हमसे ओवरलैपिंग की बात कही गई थी, सो ये ओवरलैपिंग है और ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है, यही मुझे फाइंड करना था। और ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, चूंकि ये क्यू था मतलब कि क्वेरी के इक्वल, तो √Q इसके साइड हो जाएंगे, इस जो स्क्वायर बन रहा है, और इसमें जो डायगोनल की लेंथ है वो √2Q हो जाएगी। यही काम यहाँ पे किया गया है कि SQRT ऑफ Q × 2। तो डिस्टेंस का डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है, और उसके बाद फिर आपको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड फाइनली आपने इस टाइम को प्रिंट करा दिया है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करानी, तो मैंने डेसिमल के बाद 6 पॉइंट का प्रेसिजन प्रोवाइड कर दिया है। इस लाइन को अगर आप और समझना चाहें तो फिक्स्ड हमने इसलिए लिखा है कि 6 पॉइंट्स आफ्टर द डेसिमल हम प्रिंट कराएंगे ही कराएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे फिक्स लिखा गया, एंड देन उसके बाद सेट प्रेसिजन 6। रन करके देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि जो सैंपल टेस्ट केस है वो पास हो गया है। फिर हमने इसको सबमिट किया है एंड मेरे अदर टेस्ट केसेस भी सक्सेसफुली रन कर गए हैं। सो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस शेरलॉक एंड मूविंग टाइल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।